इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बनीफिशन द मोस्ट मर्सीफुल आई एम प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फदल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे आज मैं आपको करेक्शन ऑफ़ एरर्स इन सेंटेंसेस पार्ट सिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ इन करेक्ट सेंटेंस है एट फर्स्ट ई प्लैंड हिज न्यू बिजनेस ये गलत है और क्यों गलत है इसमें जो दैन टी एच एन यूज़ हुआ है ये गलत है क्योंकि यहाँ पर कोई कंपेरिजन नहीं है ये कम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है तो यहाँ पे जिस दैन की ज़रूरत है वो है दिन इन टी एच ई एन दैन नहीं तो क्या होगा सही करेक्ट होगा एट फर्स्ट ही प्लान्ड दैन ही स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस पहले उसने मंसूबा बनाया उसके बाद उसने अपना नया कारोबार शुरू किया नेक्स्ट इनकरेक्ट है वैन ही एंटर द रूम एवरी थिंग वॉज फाइव एंड सिक्सेस और ये क्यों गलत है यहाँ पे फाइव एंड ये ए गलत इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे क्या होना चाहिए एट सिक्स एंड सेवेंस यानी बेतरतीबी में होना डिसऑर्डर में होना तो करेक्ट सेंटेंस होगा वैन ही एंटर द रूम जब वो कमरे में दाखिल हुआ एवरी थिंग वॉज एट सिक्स एंड सेवनस हर चीज़ बेतरतीबी में थी डिसऑर्डर में थी नेक्स्ट है द बर्ड्स ऑफ अ फैदर कम टू रोस्ट टुगेदर ये गलत है और ये क्यों गलत है यहाँ पे रोस्ट यानी पकाना तो पकाने की मीनिंग नहीं है यहाँ पे आराम करने की ज़रूरत है जो कि रोस्ट होगा आर डबल ओ एस टी तो करेक्ट क्या होगा द बर्ड्स ऑफ अ फैदर कम टू रूस टुगेदर यानी एक ही किस्म के परिंदे एक साथ आराम करने आते हैं उसके बाद इनकरेक्ट है दी ट्रक्स ट्रांसपोर्ट गुड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर ये गलत है और ये क्यों गलत है यहाँ पे गुड नहीं होगा लेकिन गुड्स होगा यानी गुड्स एस का इजाफा होना चाहिए तो करेक्ट क्या होगा ट्रक्स ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रैक्स ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनादर यानी ट्रैक्स सामान ले जाते हैं गुड्स यानी फ्रेट सामान फ्रॉम वन प्लेस टू तो अन अदर यानी एक जगह से दूसरी जगह इन करेक्ट है कि स्टॉप टू स्मोक फॉर फॉर ही ill, इल ये गलत है और ये क्यों गलत है स्टॉप टू स्मोक नहीं होगा स्टॉप स्मोकिंग होगा क्योंकि उसने सिगरेट नोशी छोड़ दी बंद कर दी फॉर ही गॉट इल क्योंकि वो बीमार हो गया तो करेक्ट होगा स्टॉप स्मोकिंग फॉर ही गॉट इल उसने सिगरेट नोशी छोड़ दी क्योंकि वो बीमार हो गया था इनकरेक्ट है दे प्लेड cricket. और ये क्यों गलत है यहाँ ए जो आर्टिकल यूज़ हुआ है ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा अगर यहाँ पे होता दे प्लेड अ क्रिकेट मैच तो ये सही हो जाता लेकिन क्रिकेट के साथ ये यूज़ नहीं होगा दे प्लेड क्रिकेट इज़ द करेक्ट सेंटेंस उन्होंने क्रिकेट खेला इनकरेक्ट है ही इज लुकिंग टू अ बेटर जॉब तो ये क्यों गलत है यहां पे लुकिंग टू नहीं होगा लुकिंग फॉर होगा क्योंकि तलाश के लिए लुक फॉर होता है तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब वो एक बेहतर नौकरी की तलाश में है इनकरेक्ट है दिस फ्लावर्स स्मेलिंग स्वीट ये गलत है ये क्यों गलत है यहाँ पे स्मेलिंग नहीं होगा स्मेल होगा दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट ये फूल अच्छी खुशबू देते हैं या इनसे अच्छी खुशबू आती है तो स्मेल होगा स्मेल स्मेलिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म की ही ज़रूरत होती है इनकरेक्ट है ऑल द चिल्ड्रंस आर इनोसेंट ये गलत है और ये क्यों गलत है यह चिल्ड्रन्स जो एस है ये गलत है क्योंकि चिल्ड्रन लूरल होता है उसका सिंगुलर होता है चाइल्ड ऑल द चिल्ड्रंस नहीं होगा लेकिन होगा ऑल द चिल्ड्रन आर इनोसेंट सारे बच्चे मासूम होते हैं इनकरेक्ट है द मेन प्रॉब्लम ऑफ़ दिज पीपल है दैड एक्स ये गलत है और ये क्यों गलत है यहाँ पर सब्जेक्ट द मेन प्रॉब्लम है तो हैव बिन नहीं होगा लेकिन हैज़ बिन होगा तो करेक्ट क्या होगा द मेन प्रॉब्लम ऑफ़ दिज पीपल हैज़ बिन द हैड एक्स इन लोगों का अहम मसला सर दर्द है इनकरेक्ट है ही रेडिली एक्सेप्टेड माई ऑफर ये गलत है और क्यों गलत है यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा लेकिन एक्सेप्टेड होगा ही रेडिली एक्सेप्टेड माई ऑफर यानी उसने जल्दी से मेरी ऑफ़र पेशकश कबूल कर ली तो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा नी कबूल की एक्सेप्टेड नहीं होगा इनकरेक्ट है इट वॉज रियली अ ब्रीद कैचिंग स्पेक्टिकल ये गलत है और यह क्यों गलत है यहाँ पे ब्रीद कैचिंग नहीं होगा लेकिन ब्रेथ टैकिंग होगा इट वॉज रियली अ ब्रेथ टैकिंग स्पेक्टिकल वो सचमुच एक हैरत अंगेज मंज़र था इनकरेक्ट है कुड यू टेल मी वेयर इज़ द कॉलेज ये गलत है और ये क्यों गलत है यहाँ पे जो क्वेश्चन वाली तरतीब है ये चेंज करनी होगी वेयर इज़ द कॉलेज गलत है लेकिन वेयर द कॉलेज इज़ तो करेक्ट होगा कुड यू प्लीज कर यू टेल मी वेयर द कॉलेज इज़ क्या आप मुझे बताएंगे कि कॉलेज कहाँ पे है यही सही होगा इनकरेक्ट है ही इज़ द सेम लाइक इज़ फादर ये गलत है सही कैसे होगा ही इज़ द सेम एज़ हिज़ फादर नॉट लाइक हिज फादर वैसे हम कह सकते हैं ही इज़ लाइक हिज फादर लेकिन ही इज़ द सेम एज हिज फादर वो ऐसा ही है जैसा उसका वालिद इनकरेक्ट है डिस्पाइट ऑफ बींग टायर्ड ही हेल्प मी गलत है और ये क्यों गलत है डिस्पाइट के बाद ऑफ यूज नहीं होगा करेक्ट होगा डिस्पाइट ड ही हेल्प मी यानी थकन के बावजूद उसने मेरी मदद की इनकरेक्ट है दे आर यूज टू लिव इन अ स्मॉल हाउस ये गलत है और ये क्यों गलत है दे आर यूज नहीं होगा दे uh, आर व नहीं होगा दे आर यूज़ टू लिविंग होगा दे आर यूज़ टू लिविंग इन आ स्मॉल हाउस इन अ स्मॉल हाउस वो एक छोटे घर में रहने के आदि हैं इनक्रेक्ट है दैट डिजीज इफेक्टेड मैनी पीपल ये गलत है और ये क्यों गलत है ये इफेक्टेड नहीं होगा लेकिन अफेक्टेड होगा दैट डिज़ीज़ अफेक्टेड मैनी पीपल उस बीमारी ने बहुत सारे लोगों को असरअंदाज किया इनकरेक्ट है डिनर वी हैड एट योर हाउस वाज नाइस ये गलत है और ये क्यों गलत है यहाँ पे ख़ास डिनर की बात हो रही है तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होना चाहिए तो ये सही हो जाएगा करेक्ट होगा द डिनर वी हैड एट योर हाउस वॉज नाइस वो डिनर जो हमने आपके घर पे आ, की वो नाइस थी इसका मतलब है वो अच्छी थी इनकरेक्ट है माई ऑल फ्रेंड्स अटेंड द पार्टी ये गलत है और ये क्यों गलत है माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा लेकिन ऑल माई फ्रेंड्स होगा ऑल माई फ्रेंड्स अटेंड द पार्टी मेरे सारे दोस्तों ने पार्टी में शिरकत की इनकरेक्ट है ही ऑलवेज रीड्स द शेक्सपियर्स हैमलेट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है यहाँ पे दस शेक्सपियर नहीं होगा ओनली शेक्सपियर होगा ही ऑलवेज रीड्स शेक्सपियर्स हेमलेट वो हमेशा शेक्सपियर का हेमलेट पढ़ता है आई थिंक दिस वीडियो इज यूज़फुल टू यू इफ यू फाइंड दिस यूजफुल लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टू लेट मी नो अबाउट दिस And press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.